भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं की श्रेष्ठतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तीनों सेनाओं के क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है।